हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये देखिए, आज हम आपको फिर से डबल करके बेबी स्वेटर डिज़ाइन बताऊंगी। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई करिए। एंड इसे मैंने दो कलर में बनाया है, आप इसे मल्टी कलर पे भी बनाओगे तब भी बहुत खूबसूरत लगेगी। ये देखिए, ये राइट साइड एंड ये बैक साइड, 5+1 6 के मल्टीपल में ये डिज़ाइन बनेगी। 5+1 5+1 5 मतलब 6 के। बाकी वो मैंने आपको हर वीडियो में बताया कि कितने भी फंदे हो प्रोजेक्ट के, आपके सारे डिज़ाइन सारे प्रोजेक्ट में हो जाते हैं। जो भी एक्स्ट्रा फंदा है आप किनारे एडजस्ट कर दीजिए, ऊन के हिसाब से सिलाई रखिए। अगर ऊन आपका मोटा है तो सिलाई मोटी कर लीजिए, ऊन पतला है तो सिलाई भी पतली कर लीजिए। तो आइए इस डिज़ाइन को बनाना हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट रो राइट साइड सीधे की तरफ से हम डिज़ाइन को शुरू करेंगे। पहले फंदे को स्लिप किया, एक उल्टा बुना, दो, तीन फंदे हम उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक दो तीन चार ये पांच, एक सीधा, ओ धागा आगे, एक दो तीन चार ये पांच हो गई, धागा पीछे एक सीधा, धागा आगे एक उल्टा। अब ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, पहली सिलाई जितने भी फंदे हैं आपके पहली सिलाई में, पहले आप तीन फंदे उल्टा बुन लीजिए, फिर एक सीधा पांच उल्टा, एक सीधा पांच उल्टा, एक सीधा पांच उल्टा, इस प्रकार से पूरी सिलाई को अपने कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद आइए उल्टे की तरफ दूसरी सिलाई। अब इधर जो जैसे दिख रहा है वैसे ही आपको बुनना है। जैसे उधर से हमने पाँच फंदे उल्टे बुने हैं तो इधर से हम पाँच फंदे सीधे बुनेंगे, दो तीन चार पाँच। उधर से हमने एक फंदा उल्टा बुना है तो इधर से एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, मतलब जिधर जो जैसे दिख रहा है वैसे ही सेकेंड रो हम कंप्लीट करेंगे। हो गई फ्रेंड्स, दूसरी सिलाई भी जो है वो कंप्लीट हो गई। अब आइए तीसरी सिलाई। तीसरी सिलाई भी हमें फर्स्ट रो की तरह बनाना है, पहली सिलाई की तरह, तीन उल्टा, धागा पीछे, एक सीधा, धागा आगे, एक दो तीन चार पांच, उल्टा, धागा पीछे, एक सीधा, धागा आगे। मतलब जैसे मैंने आपको पहली सिलाई बताया है उसी प्रकार से हम तीसरी सिलाई भी कंप्लीट कर लेंगे। तीसरी सिलाई भी कंप्लीट हो गई। अब आइए चौथी सिलाई। चौथी सिलाई सेकेंड रो की तरह, दूसरी सिलाई की तरह, जो जैसे दिख रहा है वैसे ही बनाएंगे, मतलब इधर से पांच सीधा एक उल्टा और उधर से पांच उल्टा एक सीधा। तो ये है हमारी चौथी सिलाई, धागा आगे, एक उल्टा, ये हो गई चौथी सिलाई कंप्लीट हो गई। चौथी सिलाई भी हो गई कंप्लीट। अब हम अपना लगाएंगे दूसरा कलर। जी, दूसरा कलर भी हमने लगा लिया। अब ध्यान से देखिएगा, चार सिलाई हम सफेद कलर से बनाएंगे एंड दो सिलाई बनाएंगे रेड कलर से। तो पहले तीन फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, जो तीनों हमारा उल्टा दिख रहा है उसे हम स्लिप कर लेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, अब नीचे जाएंगे चौथे पे, सबसे नीचे वाले फंदे पर जाएंगे एंड लूप निकालेंगे इस प्रकार, ये धागा आगे, फिर उसके ऊपर दूसरे फंदे में धागा आगे, फिर तीसरे फंदे में ये धागा आगे, चौथे फंदे में ये फिर से धागा आगे, ये
पांचवें फंदे, मतलब एक फंदे का हमारा यहाँ पे बन गया 10 फंदा। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5 जो पांच उल्टा फंदा है उसे हम स्लिप कर लेंगे। फिर से यही करेंगे, सबसे नीचे से शुरू करेंगे, लूप निकालेंगे, लूप को थोड़ा ढीला रखेंगे, धागा आगे, फिर दूसरे फंदे में धागा आगे, फिर तीसरे फंदे में धागा आगे, फिर चौथे फंदे में धागा आगे, फिर पांचवें फंदे में, ये हो गई। फिर से हम पांच फंदा स्लिप करेंगे। एक बार आप और देख लीजिए, ये 1, 2, 3, 4 ये चौथे फंदे से आपको निकालने हैं लूप। लूप को ढीला रखेंगे, पहले फंदे से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, हो गया। ये लास्ट के फंदे थे, आप ऐसे ही स्लिप कर लीजिए, तो हो गया। अब देखिए पांचवी सिलाई भी हमारी जो है वो कंप्लीट हो गई। फ्रेंड्स बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है एंड वो आप देख सकते हो बनाने में कितना इजी है। इसके बाद देखिए ये इसे हम स्लिप कर लेंगे, इन 10 फंदों को पूरा हम एक साथ बुन लेंगे। थोड़ी सी मुश्किल होगी थोड़ी, बट हो जाएगी आराम से। ये एक साथ सारे फंदे को हम उल्टा बुनेंगे एंड पांचों फंदों को हम कर लेंगे स्लिप। ये हो गई। अब फिर से 5-10 फंदों को हम एक साथ बुन लेंगे, ये अब फिर से इन 5 फंदों को हम कर लेंगे स्लिप, ये हो गया। अब देखिए ये डिज़ाइन जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई। ये देखिए 6 रो कंप्लीट हो गई एंड डिज़ाइन भी कंप्लीट हो गई। अब देखिए एक सिलाई आप और देख लीजिए, यहाँ हम करेंगे कुछ चेंज, डिज़ाइन में करना है चेंज। तो पहले जो मैंने 3 फंदा बनाया था इसके बाद ये बनाया था, अब इसको हम बना लेंगे। अब 2 फंदे और बनाएंगे, 1, 2 ये जो बीच में हमने 5 फंदे बनाए हैं उसके बीच वाले फंदे को हम सीधा बुनेंगे। धागा आगे, 1, 2, 3, 4, 5 धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, ये हो गई कंप्लीट। अब आप देख सकते हो डिज़ाइन जो है कंप्लीट भी हो गई और दिखने में भी कितना सुंदर लग रहा है वो आप देख सकते हो, बनाने में भी कितना इजी है ये। आप मैंने इसे सिंगल कलर में बनाया, अगर आपकी इच्छा तो आप इसे मल्टी कलर बनाओ। इस बार यही डिज़ाइन हम सीधे इसमें बनाएंगे, इसके बीच में जो 5 फंदे हमने बनाए इसके बीच वाला फंदा हमने सीधा बुना है, इसके बाद ये सारे फंदे उल्टे बने हैं ये इस तरह, तब डिज़ाइन जो है वो हमारी तिरछी हो जाएगी एंड खूबसूरत भी लगेगी। तो फ्रेंड्स आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा एंड मेरे साथ शेयर भी करना कि आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। टेक केयर, बाय बाय।